हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाले बैंगन। तो छोटे छोटे बैंगन लेने हैं और इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे काटने हैं। ऐसे ये देखिए, तो मैंने ऑलरेडी थोड़े बैंगन काट के रखे हुए हैं। ये देखिए, तो हम इसमें नमक थोड़ा सा लगाएंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसकी ग्रेवी बना के उसमें डालेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने ये ऑयल गरम कर दिया है, अब हम इसमें बैंगन को डीप फ्राई करेंगे थोड़े थोड़े। देखिए फ्रेंड, जैसे कि ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में। और फिर दोबारा हम ऐसे थोड़े थोड़े करके फिर फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला अब हम सारा एक साथ ग्राइंड करेंगे मिक्सी में, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी नारियल का बुरादा। ठीक है, तो इसको मैं इसके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमारे सारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, और थोड़े अच्छे से गल भी गए हैं। तो अब हम हमारा ये मसाला पीस चुका है, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ये हमारी कढ़ाई, ये वही तेल है, तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, थोड़ा सा मेथी दाना। ठीक है फ्रेंड, मेथी दाना थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड, मेरे मेथी के दाने लाल हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे इसी स्टेज पे ये मसाला। ठीक है, अब ये मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका तेल अच्छे से नहीं छोड़ता। ओके, जैसे ये तेल छोड़ देगा तो समझो मसाला हमारा तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा मसाला ये लगभग हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची। मिर्च आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, तीखा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया पाउडर। ऐसा नमक स्वाद अनुसार डालेंगे हम। मम्मी बन गई है ना, मैंने नमक थोड़ा कम ही डाला है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैंगन में भी लगाया था फ्राई करने से पहले। तो अब मसाला जैसे अच्छे से हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ठीक है, तो हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। हमारा मसाला तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे बैंगन। तो बैंगन पहले से ही पके हुए हैं, तो हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, खाली हम इसको मसाले में थोड़ी देर रखेंगे ताकि इसमें अच्छा सा मसाले का फ्लेवर आ जाए। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि नीचे से बैंगन लगे नहीं।
ओके फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से थोड़ी देर पका लेंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है, तो अब हमारे बैंगन बनके तैयार हैं। ये है हमारी बैंगन मसाला की रेसिपी। अगर आप लोगों को ये बैंगन पसंद आते हैं तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। ओके, थैंक यू, नमस्ते।